हाय दोस्तों, डेयरी टेक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत की खिलारी नस्ल की गाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि भारतीय नस्लों में से एक है। इसके साथ ही हम वेद खिलारी गौशाला से जुड़ने जा रहे हैं। ये गौशाला महाराष्ट्र के शिरोल में सांगली कोल्हापुर बाईपास रोड में आता है। खिलारी, जिसे खिल्लर भी कहा जाता है, यह एक भारतीय नस्ल की गाय है। इस नस्ल का मूल स्थान महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज़िले हैं और यह पश्चिमी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर और सांगली क्षेत्रों और कर्नाटक के बीजापुर, धारवाड़ और बेलगाम ज़िलों के यह मूल निवासी हैं। जैसे कहा जाता है कि उसी स्थान की नस्ल की गाय यदि उसी क्षेत्र में पाली जाए और संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट दिया जाए तो पशुपालक को बहुत ही अधिक फायदा पहुंचाती है, क्योंकि ये गाय उस स्थान के मौसम जलवायु से पहले से ही डली होती हैं और उस वातावरण के प्रति सहनशीलता और बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता अन्य गायों के मुकाबले अधिक होती है। इसलिए क्षेत्र विशेष के अनुसार ही पशु के नस्ल का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार खिल्लर या खिलारी नस्ल इस क्षेत्र की उष्णता और सूखा प्रवण स्थितियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। खेती की कठिनाइयों को संभालने की उनकी क्षमता के कारण स्थानीय कृषक समुदाय भी उनका समर्थन करते हैं, किंतु दूध की कम उपज के कारण यह नस्ल विलुप्त होने के कगार पर है। इस प्रजाति के पशु का रंग खाकी, सफ़ेद, मैला सफ़ेद और काला होता है। सिर बड़ा, लंबा और संकीर्ण होता है, जिसमें लंबे सिंह होते हैं जो एक विशिष्ट धनुष के रूप में ऊपर की ओर होता है और एक महीन बिंदु तक पतला होता है। इसकी पूंछ छोटी होती है। खिलारी 4.5 से 5.5 फीट लंबा होता है और इसका वज़न 350 से 450 किलोग्राम के बीच होता है। खिलारी प्रजाति के बैल काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, किंतु गायों में दूध देने की क्षमता कम होती है। यह नस्ल एक ब्यांत में औसतन 240 से लेकर 515 किलो दूध तक देती है। खिलारी नस्ल में कई किस्में भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी आज़ादी से गायों को रखा जाता है। वे चलने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अंदर पानी पीने की भी सुविधा है और जगह को साफ भी रखा जाता है। बीमार या कमज़ोर गायों को इलाज के लिए अलग सा रखा जाता है, वो हम वीडियो में आपको बाद में दिखाएंगे। दूध पीने वाले बछड़े से लेकर बड़े हो चुके बैल या गाय तक भी सभी यहाँ एक साथ रहते हैं। हम इस जगह के आसपास के स्थानों और पहाड़ को दिखाएंगे जहाँ ये गायें चरने जाती हैं। यह पूरी जगह गायों के लिए बहुत ही सुखद है। आइए जानते हैं इस गौशाला का दैनिक कार्यक्रम। वेद खिलार गौशाला निमशेर गांव, डॉक्टर नीतीश ओझा मालिक का नाम, और मैं इधर वर्कर हूँ। मेरा नाम काका उत्तम मेंदगुले, सांगली से मैं हूँ। मैं और मेरी बीवी इधर दोनों मिला के इधर दवा और गाय की सेवा करते हैं। इधर गाय वो इधर 10 बजे छोड़ने के बाद 5 बजे आते हैं वापस आने के बाद इधर गाय को सब पूरा घास और भरना, मतलब वो खाना खिलाते ना गोला, वो सब गाय को सब ये चारा वगैरह, हाँ, चारा और आटे का भूसा, पेन, वो सब पूरा मिला के बनाया हुआ, ऐसा मिला के मिला करके उनके बुट्टी में डाल देते हैं। फिर वो उन्हें खाने के बाद इस तरफ दो डिपार्टमेंट है, ये वाला इस तरफ खुला छोड़ते, उस तरफ है ना वो खाना खाने के लिए झगड़ा करते, इसलिए उन दोनों को सबको 50 गाय बांध कर उनको खिलाते और 50 गाय को इस तरफ खुला छोड़ देते हैं। ये पूरा 2 एकड़ का एरिया है, 2 एकड़ का। ये हरा वाला हमारा नहीं, इस तरफ ये है जो दिखाई देता है, ये हमारा है। इधर सब दवा बनाने का स्टोर रूम है, इधर ऑफिस है, स्टोर रूम है और ये दवा बनाने की रूम है। और ये गाय को आप लोग जो ग्रेजिंग के लिए किधर लेकर गए ना? दो आदमी गए हमारी गाय के साथ, 100 गाय के साथ दो आदमी गए, एक आगे एक पीछे और बीच में गाय रहते हैं। कितना गाय है? दो टोटल पूरा मिला के 100 गाय है। 100 गाय कौन सी नस्ल के? अभी ये साल में 11 गाय ने बछड़ा दिया, उनमें से 5
गाय है और 7 लड़की है। 6 लड़की और लड़का, 6 लड़का है और 5 लड़की है। लड़की है। ओके, ओके, अभी ओके। इधर छोटा भी बच्चा इधर घूम रहा है, देखो। हाँ वही वही मैं देखा था, वो देखा था। इधर ही है। वो कब डाला था वो बच्चा? वो भी 4 तारीख को। 4 तारीख को डाला। ओके, वो बछड़ी है, बच्चा बछड़ी है, वो बच्चा लड़की है। लड़की लड़की है, लड़की है। और काका आप लोग इधर कितने साल से हो? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए। ओके, और इसका गाय को किधर से लेके आते हैं? नहीं इधर है ना, इधर बच्चा पैदा होने के बाद इधर ही। ये जो बड़ा गाय लेके आया ना जो, वो सबको किधर से लेके आते? नहीं इधर पैदा भी वो सब होते है ना, मतलब बुल बुल रहता है ना, बुल के पास जाकर गाय फिर से अगले 10-1 वर्ष में एक बछड़ा गाय देती है। ओ, एक वर्ष में एक बछड़ा गाय देती है। और इनका इसका क्या बोलता है, एक कौन सा नस्ल के गाय है? देसी खिलार। खिलार गाय, मराठा मराठा नस्ल है। इधर एक उसका ये है, मेल है, धैर्या नाम है उसका, धैर्यशील। उधर ये बुलकार्ट है, मतलब बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी। और वो उसके अंदर एक छोटा है, उससे भी बड़ा है। ये प्योर एक नंबर का है। अभी ये साल में खरीदा है, अभी ये 2 वर्ष में, 1 वर्ष में पूरा अभी ब्रीडिंग हो जाएगा। आया हुआ गाय को भरने वाला हो जाएगा। वो कितना उम्र हो गया उसका? कितना उम्र हो गया अभी? 2 वर्ष हो गया। 19 नवम्बर को अभी उसका दूसरा बर्थडे मनाएंगे हम। डॉक्टर नितेश ओझा, इन्होंने ही इस गौशाला की स्थापना की थी 2008 में। वेद खिल्लर गौशाला को भारत की अग्रणी आत्मनिर्भर गौशाला भी माना जाता है, जिसका अर्थ है सेल्फ इंडिपेंडेंट गौशाला। यहाँ लगभग 100 देसी खिल्लर गायों की देखभाल की जाती है। यहाँ गायों को बूचड़खानों से भी बचाया जाता है। इस गौशाला में वे पारंपरिक तरीके से पंचगव्य से विभिन्न दवाओं और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का भी निर्माण करते हैं। साथ ही वे किसानों को प्राकृतिक खेती की मुफ्त ट्रेनिंग आयोजित करने में लगे हुए हैं। यह गौशाला डॉक्टर नितेश ओझा द्वारा स्वयं निवेशित धन से संचालित है। वह गायों की रक्षा कर रहे हैं और मराठा नस्ल खिलारी के संरक्षण भी कर रहे हैं। इधर देखिए दोस्तों, यह गौशाला के ठीक पीछे का पहाड़ है जहाँ गायें चरने जाती हैं। ऐसी जगहों पर घूमने से उनका पेट ताज़ा हरे चारे से भर जाता है और साथ ही उन्हें अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। दोस्तों हर दिन सुबह 10 बजे इन गायों को चराने के लिए पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन हम उस समय पहुँच नहीं सके, इसलिए दुर्भाग्यवश हमारे पास सुबह की फुटेज नहीं है। लेकिन वैसे भी हमारे पास गायों के चरने के बाद वापस आने की फुटेज है। सबके पेट भरे हुए लगते हैं। दोस्तों हम गायों के चरने की जगह को देखने के लिए काका के साथ पहाड़ की चोटी पर गए। यहाँ आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ये देखिए, ये है पहाड़ की चोटी पर जाने का रास्ता। मुश्किल तो है लेकिन बहुत सुंदर है, ये जगह भी बहुत सुंदर है। हम जब यहाँ पे आए तो बादल छाए हुए थे, तो ये जगह और भी खूबसूरत थी। हमारे साथ 2 छोटे 4 पैर वाले दोस्त भी आए थे जो गौशाला के पहरेदार भी हैं।
देखिए दोस्तों, गाय चरने के बाद वापस आ रही हैं। दो लोग हैं जो गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं, एक व्यक्ति आगे और एक व्यक्ति पीछे। उनके नाम हैं पुरुषोत्तम और विठल। वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे गायों को चराने ले जाते हैं और शाम को 4:30 बजे उन्हें वापस ले आते हैं। साफ फुटेज लेने के लिए गायों की गति के साथ बने रहना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। देखिए कितने आराम से पहाड़ के ऊपर से पत्थरों के बीच में से ये गाय आराम से किसी की मदद के बिना नीचे उतर रही हैं। अब सभी गाय गौशाला पहुंच गई हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी अंदर हो चुकी है। अब उन सभी को कुछ पोषक तत्व जैसे मूंगफली की खली या गेहूं की भूसी आदि खिलाया जाएगा। साल भर इस गौशाला में हरे और सूखे चारे की कमी नहीं है। दोस्तों, हमें भारतीय नस्ल की गायों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? जब भी हम ऐसे वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा सवाल आता है। हाँ, भारतीय नस्ल की गायों की रक्षा करनी ही चाहिए। कारण तो कई हैं। गिर, सहवाल जैसी गायें जो अत्यधिक उपज देने वाली गाय हुआ करती थी, आजकल किसानों द्वारा इन नस्लों का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होता। इसके पीछे मुख्य कारण है होल्स्टीन फ्रीशियन जैसी गायें और अन्य विदेशी नस्लें जो भारत में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। हम इस बात से सहमत हैं कि इस तरह की विदेशी नस्ल भारतीय नस्ल से ज़्यादा दूध देती है, लेकिन यह A1 क्वालिटी की हैं। भारतीय नस्ल A2 दूध का उत्पादन करती हैं, जो A1 से काफ़ी बेहतर है। आपको पता है A2 दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यह पचने में आसान है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें ओमेगा-3 होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी घटाता है। इनमें मानव माँ के दूध की तरह कोलेस्ट्रम होता है। इनके पीठ पर जो कूबड़ है, जिसे हम हम्प भी कहते हैं, यह विटामिन डी को कलेक्ट करता है। और इनमें ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स और GMO, इन प्रकार की दवाइयों का उपयोग नहीं होता। यहाँ पर ये एक और सेक्शन है जहाँ पे बीमार गायों को रखा जाता है। इनकी यहाँ पे इलाज होती है। इनको दूसरे गायों के साथ मिलाया नहीं जाता ताकि इनको और चोट ना लगे, और ना ही इनको चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाया जाता है, क्योंकि इनमें उतना बल नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए। इनमें 2 गिर गाय है जिसको किसी ने यहाँ छोड़ दिया है, और भी गाय है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक गाय है जिसके पैर में चोट लगी है और वो खड़ी नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी बछिया है जो कुछ सप्ताह ही उसका प्राय है। इन्हें विशेष देखभाल के लिए यहाँ अलग से रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप गौशालाओं और जानवरों की भलाई को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें।